नमस्कार, नीतू का ढाबा यमीलेशस में आप सबका स्वागत है। मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी है दूध पोहा। ये दूध पोहा शरद पूर्णिमा पे बनाया जाता है। इसे हम बना के पूरी रात चांद की रोशनी में रखते हैं, अगले दिन इसका प्रसाद लगा के फिर इसे ठंडा खाते हैं। तो देर किस बात की, आप भी फटाफट बनाइए दूध पोहा। तो आइए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारे दूध पोहे के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये है हमारा पौने कटोरी पोहा, थोड़े से काजू, थोड़े बादाम, थोड़ी किशमिश, चार इलायची, आधी कटोरी चीनी और ये मैं 1 लीटर दूध उबाल रही हूँ। अब शरद पूर्णिमा पे कई लोग खीर बनाते हैं, कई लोग पोहा बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनती है अलग अलग लोगों के घर में। शरद पूर्णिमा पे पूरा चांद निकलता है, हम लोग तो ये बना के ठंडा करके और पूरी रात हम लोग इसे चांद की रोशनी में रखते हैं। अब देखिए जो पोहा है इसे मैं ये छन्नी में डाल के धो लूंगी। इलायची को भी हम इसमें कूट लेंगे। कहते हैं कि आज की रात चांद की रोशनी से अमृत बरसता है, इसलिए आप जो भी अपना बनाए खीर या पोहा उसे आप चांद की रोशनी में ढक के रखिए, पूरी रात रखे रहिए, अगले दिन आप इसे खाइए और इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। दूध पोहे के लिए हमें बहुत ज्यादा इसे दूध को गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उबालेंगे ताकि हल्का सा गाढ़ा हो जाए, खीर की तरह हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। ये लीजिए, हमने इलायची के सारे बीज निकाल लिए हैं। इलायची को कूट लिया है। और ऐसे ही हम अपने ये काजू बादाम कूट लेंगे थोड़ा थोड़ा। आप चाहे तो इनको चाकू से काट भी सकते हैं। मुझे पर्सनली कूटे हुए ज्यादा पसंद है। आप जब खाते हैं इसे तो आपके मुंह में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये लीजिए, मैंने बादाम भी इनको कूट लिया है। बारी आती है हमारे काजू की। काजू को हम हल्का से ही क्रश करेंगे, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। देखिए दूध हमारा उबल रहा है, काफी उबल चुका है। अब बारी आती है इसमें हमारे पोहे डालने की। ये पोहा जो मैंने छन्नी में डाल के धो लिया है इसको मैं दूध में डाल दूंगी। मैंने इनको दूध में डाल लिया है। ये देखिए हमारा दूध जो है इसमें हमने पोहा डाल दिया, ये अच्छा उबल रहा है।
थोड़ी देर हम इसे उबालेंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे। अब हम इसमें अपनी ये चीनी डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमारे दूध पोहा जो है काफी बॉयल हो गया है। बस हम इसे इतना ही बॉयल करेंगे, ज्यादा बॉयल नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है इसमें हमारे इलायची पाउडर डालने की। इलायची पाउडर डाल लिया है और हम इसमें अपनी ये किशमिश भी डाल देंगे। और ये हमारे नट्स जो हैं, नट्स भी हम इसमें सारे डाल देंगे। बस देखिए, ये बन चुका है और मैं अपने गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। ये हमारा दूध पोहा रेडी हो गया है। बस अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, जिसे हम पूरी रात चांद की रोशनी में रखेंगे। आज की मेरी वीडियो में आपको एक फोन रिंग भी सुनाई देगी। भाई क्या करें, अब काम करते करते बीच में कभी कभी फोन भी बज जाता है। और कुछ फोन्स तो ऐसे होते हैं जो कि अटेंड करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। देखिए, बस ये हो गया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसे अपने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है। अब ये काफी गर्म है, इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और रात को हम इसे चांद की रोशनी में रखेंगे। तो बस आप लोग भी बनाइए दूध पोहा और चांद की रोशनी में रखिए, और अगले दिन इसे प्रसाद लगा के एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।